मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम डेनियल होता है। डेनियल उस वक्त पूल से अपने बेटे की बॉल निकाल रहा होता है। फिर हमें डेनियल का बेटा दिखाया जाता है जिसके साथ पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीबोगरीब हो रहा था, और वो ये कि उसे रात में डरावनी आवाजें सुनाई देती थी जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता था। इस बात की वजह से डेनियल के बेटे की नेचर बदलती जा रही थी। वो चुपचाप रहता था और अपने पेरेंट्स के साथ भी उसका बिहेव सही नहीं था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसके पेरेंट्स एक साइकाइट्रिस्ट को बुलाते हैं। वो डॉक्टर डेनियल के बेटे से बात करती है। तब वो बच्चा डॉक्टर को उन आवाजों के बारे में बताता है जो उसे रात को सुनाई देती हैं। डेनियल का बेटा कहता है कि वो आवाजें मुझे कहती हैं कि मैं कोई पेंटिंग्स बनाऊं, ड्राइंग्स बनाऊं। ये बातें उस डॉक्टर को थोड़ी बहुत अजीब लगती हैं। वो डॉक्टर उस बच्चे के पेरेंट्स को कहती हैं कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशंस हैं और कुछ नहीं, क्योंकि रिसेंटली आप लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, इसी वजह से वो बच्चा खुद को अकेला समझ रहा है। ये सारी बातें बताने के बाद वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी उस डॉक्टर की गाड़ी से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जबकि दूसरी तरफ डेनियल का बेटा एक ड्राइंग बना रहा होता है। ड्राइविंग के दौरान डॉक्टर के कान में एक मक्खी चली जाती है जिससे उस डॉक्टर को काफी इरिटेशन होती है, लेकिन तभी उस डॉक्टर की आंखों में खून आ जाता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और गाड़ी एक ट्री से जाकर टकराती है, और ट्री की एक टहनी उस डॉक्टर के मुंह के आर पार हो जाती है और बहुत ही बुरे तरीके से उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। मरने के बाद वो मक्खी उस डॉक्टर के कान से बाहर आ जाती है और उड़ जाती है। डेनियल का बेटा भी अपनी ड्रॉइंग कम्प्लीट कर चुका था। उसने जो पेंटिंग ड्रॉ की थी उसमें दिखाया गया है कि टहनियों पर से खून आ रहा है। उस बच्चे का फादर डेनियल देखता है कि उस दीवार के एक छोटे से हिस्से पर काफी सारी मक्खियां हैं। डेनियल उन मक्खियों से तंग था और वो स्प्रे के जरिए उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी डेनियल का बेटा उसे कॉल करता है और कहता है कि पापा आप भी मेरी हेल्प कर दीजिए, पूल से बॉल बाहर निकाल दीजिए। फिर डेनियल अपने बेटे की बॉल निकाल देता है, साथ साथ वो अपने बेटे को ये भी कहता है कि अब पूल के पास मत जाना। और तभी डेनियल की वाइफ अपने बेटे को बुला लेती है शॉवर के लिए, और वॉशरूम में भी उस बच्चे को वॉकी टॉकी से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। इसके बाद वो बच्चा अपनी मदर से पूछता है कि क्या पापा मुझसे प्यार नहीं करते, क्या वो मुझसे नफरत करते हैं। इस पर उसकी मदर जवाब देती है कि नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हारे पापा तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रात को डेनियल की वाइफ उससे पूछती है कि क्या आपने बच्चे से कोई बात की थी, जिस पर डेनियल कहता है कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। और यहाँ पर डेनियल समझ जाता है कि उनके बेटे ने अपनी मदर से कोई बात की है, इसीलिए वो अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है कि देखो परेशान मत हो, हमारा बेटा अकेला है इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है, जब स्कूल में उसका कोई फ्रेंड बन जाएगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आधी रात को पूल के पास से कुछ डरावनी और काफी तेज आवाजें सुनाई दे रही थी, इसी वजह से डेनियल की आंख खुल जाती है, इसीलिए वो गेट को बंद करने के लिए चला जाता है। लेकिन जब डेनियल वापस आता है तो वो देखता है कि उनका बेटा किसी से वॉकी टॉकी पर बातें कर रहा है, और बच्चे के रूम में अचानक से उसका टॉय प्ले हो जाता है। फिर वो बच्चा उस टॉय को बंद कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर पर्दे के पीछे पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा हुआ है। इस बात की वजह से वो डर जाता है और वापस अपने बिस्तर पर आ जाता है, लेकिन तभी उस बच्चे को फील होता है कि कोई आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रहा है, और तभी अचानक से कोई उसका मुंह पकड़ लेता है। लेकिन इसी दौरान डेनियल का हाथ फोटो फ्रेम पर लगने की वजह से वो नीचे गिरकर टूट जाता है, जिससे डेनियल के हाथ पर भी चोट लग जाती है और खून आने लगता है। नेक्स्ट डे डेनियल की वाइफ आकर बताती है कि हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि इसने स्कूल में एक अजीब हरकत की, ये वहाँ पर एक कबर्ड में छुप गया और तो और इसने प्रिंसिपल को बाइट भी कर ली। इसीलिए बच्चे की मदर उसे कहती है कि अब हर रोज डॉक्टर तुमसे मिलने आएंगे, देखना तुम। जिस पर वो बच्चा जवाब देता है कि डॉक्टर तो मर चुकी है। ये सुनकर उस बच्चे के पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा फजूल बातें कर रहा है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद डेनियल के पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर सच में मर गई है। लेकिन फिर ये लोग सोचते हैं कि हमारे बेटे को स्कूल में किसी ने बता दिया होगा उस डॉक्टर की डेथ के बारे में। रात को उस बच्चे को फिर से वॉकी टॉकी से कोई आवाजें सुनाई दे रही थी और उन आवाजों को सुनकर वो ड्रॉइंग भी बना रहा था। और तभी हम उस बच्चे के रूम में एक लेडी की सॉल को देखते हैं, और वही थी जो इन सबको परेशान कर रही थी और आज रात भी पूल के पास से किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी। और तब चेक करने के लिए डेनियल बाहर जाता है, उसे बाहर कुछ अजीब फील होता है इसीलिए वो अपनी गन लेकर जाता है। वहाँ जाकर उसे अपने बेटे के कपड़े मिलते हैं जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और पूल की तरफ भागता है। फिर डेनियल की आवाज सुनकर उसकी वाइफ भी उठ जाती है, इसीलिए वो अपने बेटे को चेक करने के लिए उसके रूम में आती है, लेकिन उसे वहाँ पर उसका बेटा नहीं मिलता। फिर डेनियल जब पूल के पास पहुँचता है तो उसे पूल में अपने बेटे की डेड बॉडी तैरती हुई मिलती है। डेनियल जल्दी से अपने बेटे की बॉडी को बाहर निकालता है और उसे पता चलता है कि
उसका बेटा मर चुका है। अपने बच्चे को खोकर उसके पेरेंट्स काफी दुखी हो जाते हैं। फिर उस बच्चे की मदर डिसाइड करती है कि वो थोड़े दिन के लिए अपनी मदर के घर चली जाएगी। फिर वो अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर पिलो पर पड़ती है जिस पर खून का निशान था। लेकिन वो सोचती है कि डेनियल के हाथ पर जो चोट लगी थी ये उसी खून का निशान होगा। जब डेनियल की वाइफ वहाँ से चली जाती है, तब डेनियल वो वीडियोस देख रहा था जब वो लोग यहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए थे, और इस घर में आने के बाद उनका बेटा सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। ये वीडियो देख कर डेनियल काफी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी उसे अपने आस पास से आवाजें सुनाई देती है। तब वो टीवी बंद करके वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन टीवी अपने आप ही एक बार फिर से ऑन हो जाता है। डेनियल एक बार फिर से टीवी बंद कर देता है। वो बाहर आता है और वॉकी टॉकी पर हेलो बोलता है, लेकिन दूसरी साइड से उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। फिर डेनियल अपनी वाइफ को वॉइस मैसेज भेजता है उसका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन वॉइस मैसेज में बहुत ज्यादा शोर था, इसी वजह से डेनियल की वाइफ उसे कॉल करती है और डेनियल से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम्हारी वॉइस मैसेज में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। कॉल बंद होने के बाद डेनियल उस वॉइस मैसेज को सुनता है, और इस बार जो वो उसमें सुनता है वो सुनकर वो शॉक्ड रह जाता है। फिर आवाज को ठीक से सुनने के लिए वो उस आवाज को अपने लैपटॉप में अपग्रेड करके सुनता है, और इस बार उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प मांग रहा था। और यहाँ पर ये सब कुछ डेनियल को कुछ पैरानॉर्मल लगता है। और अपने बेटे के मरने से पहले डेनियल ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का इंटरव्यू देखा था। फिर वो उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मिलने के लिए उसके पास जाता है और उसे अपने घर में होने वाले सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताता है और अपने बेटे की आवाजों के बारे में भी। इसीलिए वो उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से हेल्प मांगता है। पहले तो वो साफ इनकार कर देता है, लेकिन फिर डेनियल उसे अपनी हेल्प करने के लिए एग्री कर लेता है। फिर वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी बेटी को लेकर डेनियल के घर पर आ जाता है, और उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की बेटी का नाम रूथ था। घर में जाने के बाद रूथ पूरे घर में कैमरा सेटअप कर देती है। फिर सब कुछ सेटअप करने के बाद ये उस घर में आवाजें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रूथ को कमरे में कोई बैठा हुआ दिखता है और वो ये बात अपने फादर को बताती है। वो कहती है कि कैमरा में डेनियल आ रहा है, उसे कहेंगे वो बाहर चला जाए। लेकिन रूथ का फादर कहता है कि वो डेनियल नहीं हो सकता, क्योंकि डेनियल तो बाहर बैठा हुआ। फिर रूथ का फादर उसी रूम में चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी उसे अपनी बेटी रूथ की आवाज सुनाई देती है जो अपने फादर को कह रही होती है कि जल्दी उस रूम से बाहर चले जाएं, क्योंकि वो भूत वो सोल बिल्कुल उसके फादर के पास ही था। लेकिन रूथ के फादर को वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद उसके फादर के हेडफोन में बहुत तेज साउंड पैदा होता है, जिससे वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये सब देखने के बाद रूथ के फादर कहते हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ पैरानॉर्मल और सुपरनेचुरल हो रहा है, इसीलिए इस बात को चेक करने के लिए हम कल दोबारा से ट्राई करेंगे। रूथ के फादर को रात में रूम के बाहर कोई नजर आता है, इसीलिए वो उसका पीछा करते करते बाहर आ जाते हैं। रूथ के फादर देखते हैं कि वहाँ पर उसकी वाइफ है जो कि मर चुकी थी, इसीलिए वो उसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रूथ की मदर अपने हस्बैंड को बातों में फंसा लेती है और वो उसे खाना भी देती है और वाइन भी, और कहती है कि अब से हम हमेशा के लिए साथ ही रहेंगे। फिर वो एक तेज नाइफ से रूथ के फादर का हाथ काटने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर रूथ आ जाती है और अपने फादर को सेंसेस मिलाती है। होश में आते ही रूथ का फादर देखता है कि वो खुद ही अपना हाथ काट रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनियल की वाइफ को किसी की कॉल आई है, और जब वो उस कॉल को सुनती है तो वो देखती है कि कॉल पर उसका बेटा है, और वो अपनी मदर को कह रहा होता है कि पापा घर पर किसी को ले आए हैं मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। डेनियल की वाइफ उससे पूछती है कि बेटा तुम इस वक्त कहां पर हो, जिस पर वो बच्चा जवाब देता है कि मैं अपने बेड के नीचे छुपा हुआ हूं। अपने बेटे की आवाज सुनकर डेनियल की वाइफ डिसाइड करती है कि वो जल्दी से अपने घर चली जाएगी। रूथ बाहर आकर देखती है कि एक ट्री पर बहुत सारी बिल्लियों की डेड बॉडीज लटकी हुई हैं। जब डेनियल उन बिल्लियों की डेड बॉडीज को दफना रहा होता है कि तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है, और वो डेनियल से पूछती है कि बताओ ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कौन है और यहाँ पर ये क्यों आए हैं। रूथ को एक लेडी अपने पास बुलाती है और वो रूथ को इस घर की रियलिटी बताती है कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर खतरा है। फिर डेनियल की वाइफ अपने बेटे को उसके बेड के नीचे देख रही होती है। फिर थोड़ी देर डेनियल की वाइफ को उसका बेटा दिखाई देता है, तब वो अपने बेटे के पास जाने लगती है, लेकिन वो बच्चा जल्दी से बेड के नीचे चला जाता है। और जब उस बच्चे की मदर बेड के नीचे देखती है तो उसे बेड की दूसरी तरफ किसी के पैर दिखाई देते हैं, और वो पैर अब बेड पर चढ़ रहे थे। लेकिन वो जब बेड पर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, इसी वजह से डेनियल की वाइफ डर जाती है, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो अपने पीछे किसी औरत को पाती है और वो औरत उसके मुंह पर हाथ रख लेती है। फिर रूथ का फादर डेनियल को इस घर के बारे में बताता है,
कि इस घर में काफी सालों पहले एक विच को टॉर्चर करके मारा गया था और बिल्लियों की जो डेड बॉडीज ट्रे पर लटकी हुई मिली हैं, वो सारी बिल्लियां असल में किसी ब्लैक मैजिक किसी रिचुअल में इस्तेमाल होती थी। इन सभी के दौरान डेनियल की वाइफ खुद को फांसी लगा कर सुसाइड कर लेती है और विंडो से नीचे कूद जाती है, जहां पर डेनियल की वाइफ के मरने के बाद उसके भी कान से खून और मक्खी निकल रही है। अपने बेटे के बाद अपनी वाइफ को खोने की वजह से डेनियल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि मैं ये बात तो जरूर पता लगवा कर रहूंगा कि मेरे बेटे और मेरी वाइफ को किसने मारा है। तभी अचानक से डेनियल को अपना बेटा और अपनी वाइफ दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटाता है वो वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वही भूत डेनियल पर अटैक कर देता है। रूथ जो कि डेनियल की वाइफ की फुटेज देख रही होती है और वो नोटिस करती है कि जब डेनियल की वाइफ ने खुद को फांसी लगाई उस वक्त वो गोस्ट भी वहां पर था। तभी इन्हें पास पड़े वॉकी टॉकी पर गन के चलने की आवाज सुनाई देती है। तभी जल्दी से वहां पर जाते हैं और डेनियल को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। तब रूथ का फादर डेनियल को बताता है कि इस घर के नीचे ही उस विच को टॉर्चर किया जाता था, जिस पर डेनियल कहता है कि मैं जानता हूं उस जगह तक जाने का रास्ता। फिर डेनियल उसी दीवार को तोड़ता है जहां पर वो मक्खियां थी। उस दीवार को तोड़ने के बाद इन्हें वहां पर एक खुफिया जगह मिलती है और वहां पर एक विच का स्केलेटन भी पड़ा हुआ था, जिसे टच करने से रूथ के फादर को सारी बात पता चल जाती है कि आखिर उस विच को कैसे टॉर्चर किया जाता था। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये उस विच के स्केलेटन को जला देंगे। तब रूथ का फादर उस स्केलेटन पर पेट्रोल छिड़कता है और रूथ को बाहर ही वेट करने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाता है फ्लैश लाइट काम करना बंद कर देती है और तभी रूथ के फादर पर वो विच अटैक कर देती है। तब रूथ अपने फादर को काफी आवाजें लगाती है लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। लेकिन तभी रूथ को अपनी मदर नजर आती है जो कि मर चुकी थी और वो रूथ को अपने पास बुला रही होती है। लेकिन रूथ सारी बात समझ चुकी थी कि ये उस विच के भूत की एक चाल है, इसीलिए वो अपनी मदर के पास नहीं जाती, जिससे उसकी मदर वहां से गायब हो जाती है और बाद में वो विच अपने असली रूप में आकर रूथ को डराने लगती है। डेनियल जो कि पेट्रोल ढूंढ रहा था और तभी उसे उसकी वाइफ और बेटा नजर आते हैं और वो डेनियल से पूछते हैं कि क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे। ये सुनकर डेनियल उन दोनों को गले लगा लेता है, लेकिन असल में वो उसकी वाइफ और बेटा नहीं थे बल्कि वो विच थी और वो विच को ही गले लगा रहा था और ये विच की एक चाल थी और डेनियल विच की चाल में फंस भी गया था। इसीलिए वो अपने ऊपर पेट्रोल डालने लगता है और खुद को आग लगाने वाला होता है ताकि वो हमेशा के लिए अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ रह सके। रूथ का फादर उस विच के स्केलेटन को जलाने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन तभी रूथ वहां पर आकर अपने फादर पर अटैक कर देती है और उन्हें ऐसा करने से रोकती है क्योंकि उस विच ने रूथ को पोजेस कर लिया था। लेकिन तभी बिल्कुल ठीक वक्त पर रूथ के फादर उस विच के स्केलेटन पर आग लगाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे रूथ अपने सेंसेस में वापिस आ जाती है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी और इसके साथ साथ डेनियल भी बच जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था और डेनियल अपने बेटे की बनाई गई ड्रॉइंग्स देख रहा था। वो देखता है कि सबकी मौत का मेथड पहले से ही डिसाइड था कि कोई कैसे मरेगा। एक ड्रॉइंग देखकर डेनियल को कुछ याद आ जाता है और वो उसी रात को याद करता है जब उसे आवाज सुनाई दी गई थी। उसे याद आता है कि एक मक्खी ने उसे भी पोजेस कर लिया था और उसने ही अपने बेटे को पूल में डुबा कर मार दिया और जब वो सोया तो वो मक्खी उसके कान से निकल गई और खून का एक ड्रॉप उस पिलो पर गिर गया, जिससे उसकी वाइफ उसके हाथ पर लगी चोट का खून समझ रही थी। ये सब जाने के बाद डेनियल को काफी दुख होता है और उसे अपने किए पर अफसोस और पछतावा भी हो रहा था, इसीलिए वो पूल के पास जाता है और खुद को शूट करके मार डालता है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि डेनियल के बेटे ने अपनी और अपने फादर की मौत का तरीका पहले ही ड्रॉ कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि वो विच डेनियल को देख रही है, इसका मतलब ये है कि वो मरी नहीं जिंदा है, यानी वो लोग उस विच को खत्म नहीं कर पाए। फिर हम रूथ और उसके फादर को देखते हैं जो किसी की फुटेज देख रहे थे जिसमें एक लड़की थी जिसे किसी सोल ने पोजेस कर लिया था, यानी अब ये बाप बेटी उस लड़की की हेल्प करेंगे। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू।